आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी बेस्ट एप्लीकेशन है जो कि आपको बस रमजान में होनी ही चाहिए, जिसका यूज रमजान में बहुत होता है और बहुत ही यूजफुल से एप्लीकेशन है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये एप्लीकेशन रखते हैं तो आपके रमजान में इस क्वारंटीन टाइम में बहुत हेल्प होने वाली है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम जल्दी से फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम भाई हसन है, आप देख रहे हैं भाई एचपी टेक, और ये नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा। के महीने में यहाँ पर मैं 5 से 6 एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो कि आपके पास होनी चाहिए इस क्वारंटीन टाइम में और रमजान के महीने में। बार बार कट का महीना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बहुत ही आसान है। नीचे के रेड बटन होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो। यहाँ पर जल्दी से फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहली वाली एप्लीकेशन का जो नाम है वो है इस्लाम वर्ड। इस्लाम वर्ड ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि पूरा कॉम्पैक्ट है, जिसमें आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ दी गई है। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर सारी अपडेट्स मिल सकती हैं, यहाँ पर आपको नमाज की अपडेट्स मिल सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल कर आता हूँ। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल लेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब्सक्राइब होने के बाद यहाँ पर आपने इनेबल लोकेशन कर देनी है, क्योंकि इनेबल लोकेशन करने से फिर आपके पास जो भी यहाँ पर डेटा होगा वो सारा आ जाएगा आपके लोकेशन के ज़रिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जोहर का जो टाइम है, जोहर वो आ गया है कि 12:29 पे आपकी जोहर का प्रेयर है। इसी तरीके से फजर जो थी वो बता दी गई है कि फजर हो चुकी है, अब जोहर की बारी है। और सारे यहाँ पर अलार्म भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं मार करके। आपको किस किस की नोटिफिकेशन चाहिए, क्या मगरिब की चाहिए, क्या असर की चाहिए, क्या इशा की चाहिए। ज़्यादातर मुझे इशा की चाहिए होती हैं तो मैं इशा की मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर कुरान है। यहाँ पर आपको कुरान में आपको अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सारे तर्जुमा इंग्लिश के साथ भी मिल रहा है और उर्दू के साथ भी मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हर सूरत को बावाज़े लिखा हुआ है यहाँ पर, यह भी बहुत अच्छी बात है कि आपको इंग्लिश और उर्दू का तर्जुमा दोनों मिल रहा है। यहाँ पर प्ले की भी ऑप्शन है, आप सुन भी सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं आपको तफसीर कुरान की। और यहाँ पर और सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सूरत है कि आप अरबिक में ये पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे अखबार के पार्ट्स दिए गए हैं जो कि आप सुन सकते हैं। इंस्पिरेशनल भी दी गई है, इंस्पायरेशन आप यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। कोर्स दिए गए हैं यहाँ पर, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोर्स दिए गए हैं, सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि बहुत हेल्प करती है रमज़ान में। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको बआसानी आपकी सारी मुश्किल हल हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या आज़ुसरम ने फरमाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमज़ान की टाइमिंग भी दी गई है, सैर और रफ्तार। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, अप टू डेट टाइमिंग है, इतने पे सहरी बन रहे और इतने पे लोकेशन को इनेबल कर कर। तो ये थी भाई पहली एप्लीकेशन। यहाँ पर दुआएं भी हैं कि आप यहाँ पर दुआ भी मांग सकते हैं, जो कि हर उसमें मुख्तलिफ दुआएँ यहाँ पर आती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। तो ये थी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो मुस्लिम प्रो है। ये मेरी मैं यहाँ पर ये कब से यूज़ करता हूँ, तकरीबन 3 से 4 साल होगा मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। उसमें भी लोकेशन इनेबल करनी होती है। लोकेशन इनेबल करने के बाद हम आपको यहाँ पर एडजस्ट करने होते हैं कि आपको फजर में मिले तो मैं फजर में चेक कर देता हूँ कि नोटिफिकेशन, और मगरिब में नहीं मिले और इशा में मिल जाए। तो ये दो नोटिफिकेशन हैं जो कि मुझे चाहिए होते हैं, और यहाँ पर मैंने इनेबल कर दिए हैं नोटिफिकेशन को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दुआज हैं। दुआज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ऑल दुआज हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दुआज हैं। ये थोड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, ये जबी हिट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप ऑल दुआज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या आप सोने की उठने की दुआ, सो कपड़े पहनने की दुआ, यहाँ पर हर चीज़ की दुआएँ दी गई हैं। हमने रुकू की दुआ है यहाँ पर, जो भी आप सजदों की दुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सोने की दुआ है आप यहाँ पर, अगर आपको दुआएं नहीं आती हैं और ये अगर आपको मिल गया है, समझो आपको खजाना मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अनलिमिटेड दुआएं हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई फ़ायदा वायदा चाहिए तो यहाँ पर आपको ये बहुत एप्लीकेशन है, ये सारी दुआएं आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग की दुआएं हैं, इसमें पार्ट्स में भी दिए गए हैं, होम एंड फैमिली की दुआएं हैं ये,
कि आप अपने घर में कैसे आप अपना बर्कर रख सकते हैं घर में, और ये है फूड एंड ड्रिंक्स की दुआ है, क्या पानी पीते हुए आप क्या दुआ पढ़ें, और ये अगर आप स्ट्रेस में तो आप यही दुआ पढ़ सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं और अल्लाह की से ये इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, तो आप कौन कौन सी दुआ पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दुआ की बात है, इंस्पिरेशन है, जो कि इंस्पिरेशन आपको दी गई है यहाँ पर, यही वही दुआ। और कैलेंडर में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने किसको क्या काम करना है, तो वो ये आप उसके साथ भी रिमाइंड करवा सकता है। और ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमज़ान की कौन सी हिजरी चल रही है, और बाकी की डेट्स भी देख सकते हैं कि ईद उल फितर कब होगी और बाकी ईद उल अज़हा कब होगी, तो ये भी आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें। ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और मैं ये पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, तो आई डेफिनेटली रिकमेंडेड। आप पर्सनल ट्रैक भी कर सकते हैं अपने उसको। लेकिन यहाँ पर जो है कुरान, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें जो है आपको इंडो पाक का कुरान भी मिल सकता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर एक सूरत की पर्टिकुलरली वॉइस और पर्टिकुलर तर्जुमा आपको मिलेगा इंग्लिश, और इसकी जो ये जो अरबी है इसको ट्रांसलेट करके ये आपको रोमन में भी बता देता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है कि जिनको नहीं आता तो ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है। और ये है ऑडियो भी आप सुन सकते हैं, और पर्टिकुलरली आप सुन सकते हैं, जैसे कि आपको सारी नहीं सुननी है, एक सुननी है, तो ये आपको हेल्प करेगा। थर्ड जो है हमारे पास वो कुरान मजीद की एप्लीकेशन है, जो कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ये बेस्ट एप्लीकेशन अगर आप तरावी को आपका कंटिन्यू करना चाहते हैं तरावी में, तो ये अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं ये प्ले कर देता हूँ तो ये सारी चलता रहता है कुरान, और यहाँ पर आप एक आसानी से अपनी वॉल्यूम और आयत रखी में कितने डिले आप रखे हैं, कि जब रुकू आए तो आपने हाफ रखना है या पूरा आयत का डिले रखना है या 10 सेकंड तक रखना है, रेंज इसकी क्या आप रुकू में करना चाहते हैं या आपने आयत में करनी चाहिए, या 10 या 12 आयत के बाद आपने ब्रेक लेना है, या आपने सारी इसके स्पीड भी यहाँ पर दी गई है कि लो कम, और रेंज दी गई है कि अगर आप रिपीट भी कर सकते हैं यहाँ पर एक ही सवारे को बार बार, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप बुक मार्क भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बुक मार्क सेट किए गए हैं, तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है यहाँ पर। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी टाइमिंग आती है और यहाँ पर भी किबला आता है, यहाँ पर भी सारे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपका किबला कहाँ पर है करंट पे, और जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर भी सब चीज़ें दी गई हैं। और हर जो आपकी फोर्थ एप्लीकेशन है हमारे पास वो है इजी कुरान एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है बस ये आपको वॉइस दे देगा, ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा आपको फीचर ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेगी एप्लीकेशन ये, लेकिन ये तकरीबन डे टू डे यूज़ के लिए सही है और इजी यूज़ है। ये तो बात है कि किबला आपको फटाफट से मिल जाएगा, यहाँ पर निशानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको पूरा कुरान आपको MP4 आपको मिलेगा, यहाँ पर MP3 आपको फुल कुरान मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप सूरत में जाएं तो यहाँ पर आप दबाएं तो ये आपको पूरा कुरान मिलेगा, और ये भी प्लेबैक है, MP3 सपोर्टेड है, और यहाँ पर आपको प्रेयर टाइमिंग मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन एड स्पॉट आते हैं ये इसकी परेशानी है। तो ये थी छोटी एप्लीकेशन। अगर आपको वॉलपेपर चाहिए रमज़ान के महीने में, अगर आप वॉलपेपर सर्च करना चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में आप वॉलपेपर अपने मोबाइल में स्क्रीन में सेट कर सकते हैं, तो अच्छे वॉलपेपर हों जो कि रमज़ान के महीने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैं जैस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ। जैस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वैसे भी वॉलपेपर के हवाले से बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर मैंने ये दे सकते हैं कि रमज़ान के महीने में ये वाले वॉलपेपर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत आसानी के साथ आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं रमज़ान के महीने में, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि मेरे मन पसंद है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये भी अच्छा वॉलपेपर है, तो आप ये सारे वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने होम स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। तो भाई यही थी भी आज की एप्लीकेशन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया था प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक मारो और दोस्तों से शेयर करो, और उनको भी बताओ कि ये सारी एप्लीकेशन उनके मोबाइल में भी हों, ताकि वो भी रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की नेकी हासिल कर सकें। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।